और इसी के साथ साथ मैं आपको अब नेक्स्ट हमारे सामने जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है बेसिकली अवामी विलाज हैं जो कि बैकएंड पे बैरियर मैनेजमेंट की तरफ से बना कर दिए गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ कंसर्न डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से, और आज की वीडियो में मैं आपको बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ टू में मौजूद डी ब्लॉक का ओवरऑल आपको जो है मैं आपको एक स्ट्रीट व्यू करवाऊँगा, रेट्स के हवाले से अपडेट करूँगा। इसी के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको मिलते हैं, इसमें मौजूद मेन जो अट्रैक्शन है उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से आपको मैं आज की वीडियो में अपडेट करूंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसके एरियाज़ ऑन ग्राउंड हैं और कौन कौन से एरियाज़ आपको जो है वो यहाँ पर ऑफ ग्राउंड मिलते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और इसी के साथ साथ स्ट्रीट व्यू के दौरान ही मैं आपको जो है प्रॉपर्ली यहाँ पर मौजूद रेट्स के हवाले से भी आपको जो है वो अपडेट करूँगा। तो व्यूअर्स, इस राइट टाइम मैं फेज़ टू मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली जो है वो एंटर होने जा रहा हूँ डी ब्लॉक की तरफ। तो ये बेसिकली जो है वो डायरेक्ट अप्रोच आपको मिलती है मेन बुलेवार्ड से डी ब्लॉक की तरफ। आज की वीडियो में डी ब्लॉक का मैं प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन लेवल के हवाले से आपको अपडेट करूँगा, स्ट्रीट व्यू करवाऊँगा, और रेट्स के हवाले से मैं आज की वीडियो में आपको जो है वो अपडेट करने जा रहा हूँ। इस राइट में मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको जो है वो डी ब्लॉक की एंट्रेंस मिल जाएगी। ये बेसिकली डी ब्लॉक का एरिया है जहाँ पर आपको 8 मरला मैक्सिमम क्वान्टिटी में मिलेगा। 5 मरला वाला अपोजिट साइड पर एरिया, उसका मैं आपको बाद में विजिट करवाऊँगा, पहले मैं जो आपको 8 मरला साइज़ का जो है विजिट करवा देता हूँ। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, सारा का सारा जो है वो 8 मरला कैटेगरी का एरिया है, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन लेवल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, और आपको रेट्स के हवाले से यहाँ पर जो है वो आपको मैं अपडेट करूँगा। करंट अभी मैं रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 72-75 लाख रुपये से लेकर आपको ऑनवर्ड 85-90 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन लेवल आपको मैं दिखाऊँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे बहुत बेहतर है। पार्क बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मौजूद है, जो कि अभी दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी फास्ट टाइप है यहाँ पे घरों की जो है वो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, और पार्क यहाँ पे बड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पे पार्क मौजूद हैं। हर थोड़ा फासले के बाद आपको बड़े खूबसूरत यहाँ पे वेल मेंटेन्ड यहाँ पे आपको जो है खूबसूरत पार्क मिलेंगे, जो कि ना सिर्फ कहने की हद तक हैं बल्कि डेवलप पार्क हैं, ठीक है जी। और मैक्सिमम जो जितना भी अभी आपको मैं एरिया दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है वो 8 मरला का रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है जी। पिछले पार्क के ऊपर नेक्स्ट आपको मैं बिल्कुल थोड़े से फासले के साथ आपको मैं एक और पार्क दिखाता हूँ, जो कि इसी डी ब्लॉक में जो है वो मौजूद है थोड़े से फासले में, ठीक है जी। बड़े खूबसूरत यहाँ पे आपको जगह जगह पे जो है वो वेल मेंटेन्ड बेहतरीन पार्क्स मिलेंगे। इस पार्क को आप देख सकते हैं, उससे बड़ा बेहतर साइज है और बड़ा वेल मेंटेन्ड पार्क है ये भी। बड़ी खूबसूरत इसकी जो लोकेशन है, और ये भी सारा का सारा जो एरिया है वो 8 मरला का रेजिडेंशियल एरिया। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे भी बड़ा बेहतर है, और इसी के साथ साथ मैं आपको अब नेक्स्ट हमारे सामने जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है बेसिकली अवामी विलाज हैं, जो कि बैकएंड पे बैरियर मैनेजमेंट की तरफ से बना कर दिए गए थे, और सारे के सारे जो है वो प्रेशर है, काफ़ी मैक्सिमम फैमिली यहाँ पर भी जो है वो रह रही हैं। पीछे एक पार्क गुजरा, उसके बाद नेक्स्ट अवामी विलाज का बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर एक और पार्क आपको देखने को मिलता है राइट साइड पर। हर थोड़े फासले बाद आपको डी ब्लॉक में बड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पे जो वो पार्ट्स इजीली जो वो मिल जाते हैं। तो तीन पार्ट्स तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में दिखा दी, तो पीछे दो पार्ट्स, अभी ये तीसरा पार्क है जिसको बड़ा वेल मेंटेन किया गया, और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे बेसिकली अवामी विलाज हैं। ये ट्रिपल स्टोरीज हैं जिसको फ्लोर प्राइस जो वो सेल किया गया था। अभी जो करंट यहाँ पे रेट्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर 65, फर्स्ट फ्लोर 60, और सेकंड फ्लोर तकरीबन 55 के अराउंड यहाँ पे नॉर्मली डिमांड वगैरह चलती हैं, और इसी रेट के ऊपर जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है जी। और ये अभी जो राइट साइड पर आपको एरिया नज़र आ रही है, ये पार्क के साथ बिल्कुल ना कमर्शियल का एरिया है, जो कि स्पेसिफिक अवामी विलाज का कमर्शियल है जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं ग्रोसरी सेटअप के लिए, ठीक है जी। और ये लेफ्ट साइड पे सारा का सारा जो है वो अवामी विलाज है। तो मज़ीद आपको मैं थोड़ा सा और कमर्शियल दिखा रहा था जिससे आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कमर्शियल जो है वो मौजूद है, और वहाँ पर जो
फुटफॉल भी है, ग्रोसरी सेटअप वगैरह आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो यहाँ पर मिल जाता है। तो ये बेसिकली सारा कमर्शियल है डी ब्लॉक का, जिसको जो कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही जाओ मिल जाएगा। फुटफॉल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा रीजनेबल है, ठीक है जी। और लोकेशन भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये बेसिकली सारा का सारा जो एरिया ना डी ब्लॉक का, ये सारा जो है वो 8 मरला का है। मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो है वो 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। रेट्स के वाले से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 8 मरला का जो मिनिमम प्राइस है वो तकरीबन आपको मिलेगा यहाँ पर 72-75 से लेकर ऑनवर्ड आपको तकरीबन 85-88-90 तक जो है यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलेंगे। डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइसेस जो वेरी कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन लेवल है। हर पट्टी में आपको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ना सिर्फ घर बने हुए बिल्कुल, बल्कि काफ़ी फास्ट है यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। बहुत तेज़ी से लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्लाइंट्स वगैरह जो इसको कंसीडर कर रहे हैं डी ब्लॉक को और सी ब्लॉक को एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। इसीलिए प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो हम टाइम टू टाइम इन ब्लॉक्स का जो है वो स्टडी करवाते रहते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके कि टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन लेवल है और किस तेज़ी से यहाँ पर जो है वो घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। स्ट्रीटव्यू करवाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका मेन बुलेवर्ड, वो जहाँ से हम एंटर हुए थे वही ऑनवर्ड जो रोड है वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करती है बैरी ऑर्चर्ड के गेट नंबर 6 जाती है अमरावली साइड पे। तो भी एक बड़ी एक मेन अट्रैक्शन है इस डी ब्लॉक की। आप डायरेक्टली डी ब्लॉक को आपको गेट नंबर 1 डायमंड रोड से अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बेजे टाउन साइड से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली जातिमला रोड से जो गेट नंबर 6 है उससे डायरेक्टली आप इस डी ब्लॉक को जब अप्रोच कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इसकी अप्रोच है। ये जो अब रोड आप स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये रोड जो है वो सारी की सारी ऑनवर्ड जाती है गेट नंबर 6 की तरफ, जातिमला की तरफ आगे डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ आगे आपको KLMN ब्लॉक जो है वो फेस टू एक्सटेंशन के बहुत सारे जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एरिया है ये बेसिकली डी ब्लॉक का बैक वाला एरिया आ गया, इसका भी आपको थोड़ा सा मैं विज़िट करवा देता हूँ और प्रॉपर तरीके से आपको रेट्स के हवाले से मैं आपको जो है वो अपडेट कर देता हूँ। तो व्यूअर्स पहले मैंने आपको 3 पार्क दिखाए, अब एक और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर पार्क है। हर कुछ थोड़े थोड़े फासले, इसको पार्क को भी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है जी। हर थोड़े फासले के बाद आपको डी ब्लॉक में बड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पे आपको पार्क्स मिल जाएंगे। इसके नियर बाय भी कंस्ट्रक्शन लेवल बड़ा बेहतर है और इस पार्क का साइज़ बड़ा बेहतर है, ठीक है जी। और बड़ा रीज़नेबल यहाँ पे साइज़ है पार्क का और कंस्ट्रक्शन लेवल आप देख सकते हैं बड़ा बेहतर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल है। और इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा जो वो आगे दिखा भी देता हूँ कि डी एक्सटेंशन के जो 5 मरला के न्यू डील्स वगैरह वो किस तरफ आई हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको अपडेट किया उनके लोकेशन, उनके रेट्स के हवाले से, और अभी थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ से ऑनवर्ड किस तरफ जाए तो आपको वो उनकी तरफ जो वो अप्रोच मिलती है। रोड पे अगर हम ऑनवर्ड सीधा जाएं तो आगे से अगर हम राइट की तरफ मूव करें तो आपको डायरेक्टली डी एक्सटेंशन 1 की तरफ अप्रोच मिल जाएगी, और आगे से उस रोड से अगर ऑनवर्ड अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो डी एक्सटेंशन 2 की तरफ आपको जगह अप्रोच मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली 2 डील्स दी गई थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, दोनों ही जगह बड़ी रीजनेबल थी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़े मुनासिब रेट्स के ऊपर थी, ठीक है जी। ये रोड जब अगर हम ऑनवर्ड लेफ्ट साइड की तरफ जाएँ तो आपको डी एक्सटेंशन 2 मिल जाएगी, जिसका काफ़ी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट का काम जारी है। और ये जो राइट साइड वाली रोड है ये ऑनवर्ड जो है वो डी एक्सटेंशन 1 की तरफ जाती है, जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन भी बड़ी जैसे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। और मज़ीद वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है और प्रॉपर तरीके से जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट भी जारी है 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश की है कि आपको ओवरऑल बेहतर तरीके से जो है डी ब्लॉक का विजिट करवाया जा सके, जिससे आपको आइडिया हो सके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल रेट्स के हवाले से। तो इसके अलावा मज़ीद अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है डी ब्लॉक से रिलेटेड, स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333-111-5900 इस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।